खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाबरखेड़ा गांव से है, जहां ग्राम प्रधान के खिलाफ में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता फिरोज अली ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी काशीपुर और संयुक्त टीम जांच के लिए बाबरखेड़ा गाँव पहुंची। शिकायतकर्ता फिरोज अली का आरोप है कि मार्च के महीने में आरटीआई के तहत प्रधान की कार्य योजना के दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई। अमृत सरोवर योजना से तालाब का काम मनरेगा द्वारा होना था, लेकिन वो कार्य जेसीबी मशीन से कराया गया और मजदूरों का मनरेगा का पैसा निकाल लिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि दस्तावेजों पर सभी साइन फर्जी कराए गए हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो बाबरखेड़ा में फिरोज अली के द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसकी आज जांच का यहाँ पर कार्यक्रम है। खुली जांच हो रही है पंचायत घर बाबरखेड़ा में। इसमें जांच के सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए जो भी अनियमितता आएगी वो जांच के बाद दृष्टिगोचर होगी। आज जांच की प्रक्रिया गतिमान है, समिति संयुक्त समिति इसकी जांच कर रही है। कहना क्या चाहते हैं साहब? इसमें काम तो हुए ही हैं, मौके पे काम सब हुए हुए हैं और इन्हीं लोगों के घर पे मतलब ये रास्ते भी बने हुए हैं। जिन लोगों को शिकायत करता है जो लोग, इन्हीं के वो रास्ते बने हुए हैं, 4 साल रास्तों के बने हुए हो गए हैं। अब इन लोगों का क्या है कि एक रंगदारी मांगने का जो है इनका बिजनेस बन गया है। मुझसे जो है 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी इन लोगों ने, 5 लाख रुपये के, भाई अगर तुम नहीं मांगो तो मैं सूचना मांगूंगा, अगर तुम फिरौती नहीं देते हो 5 लाख की तो मैं सूचना मांगूंगा। तो इन लोगों का बस ये धंधा हो गया है और कोई बात नहीं है, मौके पर सारे काम फिट है। सर मार्च में हमने आरटीआई से कागज़ मंगाए थे प्रधान जी के, तो उसमें बहुत अनियमितता पाई गई है। अमृत सरोवर योजना से तालाब का काम होना था, जो कि जेसीबी द्वारा कराया गया है, उसके वीडियो हमारे पास प्रूफ है हमारे पास, और उसमें नरेगा का पैसा निकाला गया है मजदूरों के, जो कि भोजन माताएं थी और भी किसी ने काम नहीं करा, ना ही साइन सारे फर्जी हैं सर।